नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। चैप्टर 16 हमने स्टार्ट किया, इसका भाग एक बता दिया है। भाग एक में हम लोगों ने जाना प्रदूषक के बारे में, प्रदूषक क्या होता है, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं और यह वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये सारी चीजें हमने भाग एक में बता दिया है। यदि आपने भाग एक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो है, जरूर उसे देखिए। आज के भाग में हम जानेंगे प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार से प्रदूषण होता है और यह किस प्रकार से जीवों को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रदूषण क्या होता है। तो वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पौधों, भवनों, प्राकृतिक संपदाओं, सांस्कृतिक संपदाओं तथा जीवधारियों को किसी भी रूप से हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। यानी कि इन चीजों को किसी भी रूप से हानि पहुंचाना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। यही चीज हमने यहाँ पे नोट भी किया है। वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं, पौधों, भवनों, सांस्कृतिक संपदाओं, प्राकृतिक संपदाओं तथा जीवधारियों को किसी भी रूप से हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो किसी भी रूप से इन चीजों को हानि पहुंचाना प्रदूषण कहलाता है, चाहे वह मनुष्य हो, भवन हो, सांस्कृतिक या प्राकृतिक संपदा हो, भूमि, जल, वायु में जो परिवर्तन होता है और इन चीजों को हानि पहुंचाता है, इसे ही बोला जाता है प्रदूषण। इतनी चीजें आप समझ लिए। अब हम जानेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण को पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो प्रदूषण को पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो प्रदूषण को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है, यानी कि पांच भागों में इसे बांट करके अध्ययन किया जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब इन चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में। वायु प्रदूषण क्या होता है, ये चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वायुमंडल। तो जो वायुमंडल है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन लगभग में 21%, आर्गन 1% से कम, less than 1%, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.1%। तो कहने का यह मतलब है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये गैसें वायुमंडल में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। जब इस निश्चित मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी कि कम या अधिक होता है, तब प्रदूषण होता है, जिसे हम बोल लेते हैं क्या चीज, तो वायु प्रदूषण। अब ये जो गैसें हैं, इन गैसों का चक्रण होता है जीवों से वातावरण में और वातावरण से जीवों में। ये चक्रण चलता रहता है, जिस कारण से उन गैसों का वातावरण में संतुलन बना रहता है, पर्यावरण में उन गैसों का संतुलन बना रहता है। परंतु मानवीय क्रियाकलापों के कारण इनमें परिवर्तन होता है, यानी कि यह जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। इन गैसों की जो सीमित मात्रा है, निश्चित मात्रा है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से वायु प्रदूषण हो जाता है। यानी कि पर्यावरण में, वातावरण में उपस्थित गैसों की मात्रा में सीमित मात्रा से परिवर्तन होना ही कहलाता है क्या चीज, तो वायु प्रदूषण। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ लिए तो आपको हेडिंग बनाना है प्रदूषण और उसके बाद से ये सारी चीजें लिखना है। फिर प्रदूषण के प्रकार लिख लेना है। प्रदूषण को मुख्यतः पांच भागों में बांटा जा सकता है।
पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा रेडियो धर्मी प्रदूषण। उसके बाद से पहला हेडिंग बना लेना है वायु प्रदूषण, और इसमें यह लिखना है वायुमंडल में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें एक निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। वायु में इन गैसों का अनुपात निम्नवत है। उसके बाद से ये चीज लिख लेना है, नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.9323%। ये चीजें जो है लिख लेना है। अब इसके बाद से हम बोलेंगे और उसे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। इतनी चीजें लिखने के बाद आप आगे से लिखेंगे, उपयुक्त गैसों का असंख्य जीवधारियों और वायुमंडल के बीच चक्रीकरण होता रहता है। जीवधारियों द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में संतुलित मात्रा में रहती है, परंतु मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडलीय गैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। यानी कि मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडलीय गैसों का संतुलन क्या हो रहा है, तो बिगड़ रहा है। और यह संतुलन का बिगड़ना ही बोला जाता है क्या है, वायु प्रदूषण है। क्या चीज कहा जाता है, तो वायु प्रदूषण है। ठीक, इतनी चीजें आप समझ लिए। अब हम जानेंगे वायु प्रदूषक के बारे में, तो ये चीजें हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम जानेंगे वायु प्रदूषक के बारे में। सभी चीजों को समझ से चलना है, और यदि समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, सही है। चलिए, सबसे पहले अब हम जानेंगे क्या प्रदूषक के बारे में। हमने प्रदूषण के बारे में जान लिया, और हम पढ़ रहे हैं वायु प्रदूषण। क्या चीज, तो वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में हमने बताया क्या कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और ये सभी गैसें एक सीमित मात्रा में है, संतुलित मात्रा में है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब वायु प्रदूषण होता है। यह संतुलन कब बिगड़ता है, मानवीय क्रियाकलापों के कारण। अब ये जो वायु प्रदूषण है, इसको जो चीज प्रदूषित करती है, जो चीजें इसे प्रदूषित करती है, उसे बोला जाता है वायु प्रदूषक। क्या चीज, तो वायु प्रदूषक। हाँ, वायु प्रदूषक क्या होता है, वायु प्रदूषक, तो वे पदार्थ जो वायु पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे ही बोला जाता है वायु प्रदूषक। यानी कि जो पदार्थ वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहा जाता है। जो मानवीय क्रियाकलाप है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। यानी कि मानवीय क्रियाकलाप भी वायु प्रदूषण का उत्तरदायी है। यानी कि मानवीय क्रियाकलाप भी क्या है, वायु प्रदूषक है। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप भी क्या है, वायु प्रदूषक है। इसके साथ साथ प्राकृतिक क्रियाकलाप भी वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक क्रियाकलाप वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो मानवीय क्रियाकलाप है, कम मात्रा में भी यदि है, तो वह प्राकृतिक क्रियाकलाप से ज्यादा हानिकारक होता है।
यानी कि मानवीय क्रियाकलाप द्वारा वायु प्रदूषण ज्यादा हानिकारक होता है, किसकी तुलना में, प्राकृतिक क्रियाकलाप की तुलना में। अब प्राकृतिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण क्या होते हैं, तो जैसे कि परागकण, पुष्प का जो परागकण होता है, पौधों के पुष्प में जो परागकण होता है वह किसी कारण से हमारे या जंतुओं के शरीर में चला जाता है, जिस कारण से क्या होता है, तो श्वसन संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही साथ बीजाणु, ज्वालामुखी राख और गैसें और वन अग्नि, गैसें और वन अग्नि, ये सब क्या है, प्राकृतिक क्रियाकलाप है जिसके द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से मानवीय क्रियाकलाप द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप द्वारा हुआ वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक हानिकारक होता है, किसकी तुलना में, प्राकृतिक क्रियाकलाप की तुलना में। ये बातें नोट करना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए तो अब हम आगे जानते हैं क्या, तो ये जो वायु प्रदूषक होते हैं वह कणकीय हो सकते हैं या गैसीय हो सकते हैं। वायु प्रदूषक कणकीय या गैसीय हो सकते हैं, वायु प्रदूषक कणकीय हो सकते हैं या गैसीय हो सकते हैं। अब ऐसे कण जो कि वायु को प्रदूषित करता है, जिनका व्यास 10 माइक्रोन मीटर से अधिक होता है, वह स्वतः वायु में बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये कणकीय भी होते हैं और गैसीय भी होते हैं। अब ये जो कणकीय है इनका व्यास 10 माइक्रोन मीटर से अधिक होता है, तब ये क्या होते हैं, वायु में बैठ जाते हैं। 10 माइक्रोन मीटर से अधिक होने पर ये वायु में बैठ जाते हैं स्वतः, देखिए स्वतः बैठ जाते हैं, ये स्वतः बैठ जाते हैं। लेकिन जब इनका व्यास 10 माइक्रोन मीटर से कम है, 10 माइक्रोन मीटर से जब इनका व्यास क्या होता है, कम होता है, तब ये वायुमंडल में लंबे समय तक निलंबित रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। इनका व्यास जब 10 माइक्रोन मीटर से कम होता है तो ये लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं। लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहने के कारण इन्हें नाम दिया जाता है निलंबित कणिकीय पदार्थ, जिसे क्या बोला जाता है, तो निलंबित कणिकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ इंग्लिश में बोला जाता है सस्पेंडेड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्टनेस से बोला जाता है SPM। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और शॉर्ट में इसे बोला जाता है SPM, जब ये 10 माइक्रोन मीटर से कम होते हैं और ये वायुमंडल में बने रहते हैं। अब जो SPM है इसका भी अपना अमाप है, इसका भी अपना व्यास है। यदि SPM का व्यास 1 माइक्रोन मीटर से कम हो, 1 माइक्रोन मीटर से कम हो, किसका व्यास, तो SPM का, SPM का व्यास 1 माइक्रोन मीटर से कम हो तो इसे बोला जाता है एरोसॉल, एरोसॉल। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इस SPM का जो यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का व्यास 1 माइक्रोन मीटर से कम होता है तो इसे बोला जाता है एरोसॉल। एरोसॉल क्या है, एक प्रकार का कोलाइडिन निलंबन है, क्या है, कोलाइडिन निलंबन है, जो धुआं या फ्यूम के रूप में होता है, इसके रूप में धुआं या फ्यूम, धुआं व फ्यूम, यह एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी निलंबन है एरोसॉल, जिसको कि हम
धुआं हुआ फ्यूम करते हैं एरोसॉल, जब इस एसपीएम का व्यास 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, 1 माइक्रोमीटर से कम हो तो इसे बोला जाता है एरोसॉल। एरोसॉल क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी है, और इसे ये किसका कोलाइडी है, धुआं हुआ फ्यूम का। और यदि एसपीएम का व्यास 1 माइक्रोमीटर से अधिक हो, 1 माइक्रोमीटर से अधिक हो तो इसे धूल या धुंध बोला जाता है। क्या चीज, तो धूल या धुंध कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप समझ लिए हैं। क्या है, तो इसका एसपीएम का माप 1 माइक्रोमीटर से अधिक है तो इसे धूल या धुंध बोला जाता है, और 1 माइक्रोमीटर से कम हो तो इसे बोला जाता है एरोसॉल। और एरोसॉल क्या है, धुआं व फ्यूम का कोलाइडी निलंबन है। ठीक, तो इतनी बातें आपने समझ लिया। एसपीएम क्या होता है, वायु प्रदूषक क्या होते हैं, तो आपको हेडिंग बनाना है वायु प्रदूषक। ये चीज आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपको लिखना है वे पदार्थ जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। यद्यपि मानव जनित प्रदूषण की मात्रा प्राकृतिक प्रदूषण ब्रैकेट में लिखना है, जैसे परागकण, विषाणु, ज्वालामुखी राख एवं गैसें तथा वन अग्नि ब्रैकेट क्लोज से बहुत कम होती है, फिर भी यह अत्यधिक हानिकारक होती है। यानी कि मानव क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण कम फैलता है, फिर भी ये प्राकृतिक क्रियाकलाप द्वारा जो फैले गए प्रदूषण है उससे ज्यादा हानिकारक होता है। आगे से लिखना है, क्योंकि यह वायुमंडल के निचले क्षेत्र में सीमित रहती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है, वायु प्रदूषक कणिकीय या गैसीय हो सकते हैं। ऐसे कणिकीय प्रदूषक जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से अधिक होता है स्वतः वायु में बैठ जाते हैं। वही बोला गया, 10 माइक्रोमीटर से अधिक होता है स्वतः वायु में बैठ जाते हैं। 10 माइक्रोमीटर से कम व्यास के छोटे कणिकीय प्रदूषक वायुमंडल में लंबे समय तक निलंबित बने रहते हैं, अतः इन्हें निलंबित कणिकीय पदार्थ, निलंबित कणिकीय पदार्थ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम कहते हैं। यदि एसपीएम का माप 1 माइक्रोमीटर से कम होता है तो वह एरोसॉल कहलाता है। यह कोलाइडी निलंबन होता है जो धुआं व फ्यूम के रूप में पाया जाता है। यदि एसपीएम का माप 1 माइक्रोमीटर से अधिक होता है तो इसे धूल या धुंध कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लिख लिए। अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषक के स्रोत एवं प्रभाव। तो वायु प्रदूषक के स्रोत एवं प्रभाव, इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, वायु प्रदूषक के स्रोत एवं प्रभाव। यानी कि वायु प्रदूषक के क्या स्रोत हैं और वे किस प्रकार से वायु प्रदूषण करते हैं और जीवों को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे हम जान ले इसके बारे में, वायु प्रदूषक के स्रोत एवं प्रभाव। वायु प्रदूषक के स्रोत एवं प्रभाव क्या होते, इसका मतलब है कि ये जो वायु प्रदूषक है कहाँ से उत्पन्न होते हैं और ये जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सल्फर के यौगिक। पहला हो जाएगा सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक। तो ये जो सल्फर के यौगिक है वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, गैस SO3, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस,
गैस H2S, ये क्या है? तो सल्फर के यौगिक है और ये सभी गैस हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सबसे पहली बात कि ये वायुमंडल में इनकी मात्रा सीमित है, लिमिट में है, और जब इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगा तो वायु प्रदूषण होगा। अब ये कैसे बढ़ता है, वायुमंडल में इसकी मात्रा कैसे बढ़ता है, तो ये चीजें आपको जानना है। तो जो औद्योगिक चिमनियाँ हैं, तेल कारखाने, जीवाश्म ईंधन के दहन, बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, इन चीजों से ये गैसें क्या होती है, मुक्त होती है और वायुमंडल में इनकी सांद्रता में वृद्धि होती है और वायु प्रदूषण हो जाता है। इस कारण से क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि पौधों के रंध्र यानी कि उसमें जो छिद्र होता है स्टोमेटा, पौधों की पत्तियों में छिद्र होता है जिसे रंध्र बोला जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, इसके माध्यम से SO2 गैस पौधों की कोशिका में प्रवेश कर जाती है। कौन सी गैस? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस पौधों की कोशिका में प्रवेश कर जाती है और वहां पर जल से अभिक्रिया कर लेती है और जल से अभिक्रिया करके जल में घुल करके क्या बनाती है, तो सल्फाइट आयन बनाती है या बाइसल्फाइट आयन बनाती है। क्या चीज? तो सल्फाइट आयन SO3 पे 2- चार्ज और बाइसल्फाइट आयन, HSO3 पे -चार्ज सल्फाइट आयन और बाइसल्फाइट आयन बनाती है। अब ये क्या करता है, सल्फाइट आयन और बाइसल्फाइट आयन कोशिका भीति कोशिका कला को और हरित लवक को नष्ट कर देता है। पौधों में उपस्थित कोशिका कला और हरित लवक को नष्ट कर देता है। यदि इसकी सांद्रता बढ़ जाए अधिक मात्रा में तो पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। अब ये जंतुओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है ये आंखों में चला जाता है तो आंखों में जलन उत्पन्न कर देता है, ब्रोकाइटिस कर देता है यानी कि निद्रा संबंधित रोग उत्पन्न कर देता है, आस्थमा हो जाता है इसके कारण। इसके साथ ही साथ चमड़े, धातु, इमारत, पत्थरों, स्टील, कागज आदि को भी ये प्रभावित करता है, उसको भी नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि इसके कारण इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीजें हैं सल्फर के यौगिक में। तो आपको हेडिंग बनाना है सल्फर के यौगिक और इसमें लिखना है ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में औद्योगिक चिमनियों, तेल शोधक कारखानों, जीवाश्म ईंधन के दहन एवं बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों से मुक्त होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पौधों की पत्तियों में प्रवेश कर जल में घोलकर सल्फाइट आयन SO3 पे 2- चार्ज बाइसल्फाइट आयन HSO3 पे -चार्ज में बदल जाती है। इन आयनों की अधिक सांद्रता कोशिका कला एवं हरित लवक को नष्ट कर सकती है। इसकी उच्च सांद्रता में पौधों की कोशिकाओं की मृत्यु भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से नेत्रों में जलन, ब्रोकाइटिस, आस्थमा आदि रोग हो जाता है। चमड़े, धातु, इमारतें, पत्थरों, स्टील, कागज इत्यादि पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इतनी चीजें हो गया। अब हम दूसरा जानेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसे समझना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है औद्योगिक कारखानों, चिमनियों, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयले एवं पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने से प्राप्त होता है और नाइट्रोजन
कि ऑक्साइड इससे बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड को NOx से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है चिमनियों, तेल कारखानों और जीवाश्म ईंधनों को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड, रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड इनो, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। दूसरे लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ये वायु प्रदूषक होते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में ये वायु को प्रदूषित करते हैं। वातावरण में इन गैसों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति आंखों, धमनियों, हृदय, यकृत, वृक्क आदि के लिए बहुत हानिकारक होता है। यानी कि आंखों, धमनियों, हृदय, यकृत, वृक्क इनको बहुत अधिक ये हानि पहुंचाता है। कौन? तो रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड NO, लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये सभी क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और इसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक होना बहुत ही हानि पहुंचाता है और इसके कारण आंखें, धमनियां, यकृत, वृक्क ये सभी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। NO2 की उपस्थिति से पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। कैसे? तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है, यानी कि PAN, ये पहले भी हम बता चुके हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है। किसकी मात्रा में अधिकता से? NO2 की मात्रा में अधिकता से। और ये क्या है, एक प्रकार का द्वितीयक वायु प्रदूषक है, मुख्य वायु प्रदूषक बोला जाए तो है। ठीक, इतनी चीजें आप समझ लिए। हेडिंग बना लेना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड दूसरा, और इसमें लिखना है औद्योगिक चिमनियों एवं जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयले एवं पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से प्राप्त गैसों में नाइट्रोजन ऑक्साइड की काफी मात्रा होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है नाइट्रोजन ऑक्साइडों में रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना है NO, तथा लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना है NO2 मुख्य वायु प्रदूषक है। वातावरण में इन गैसों की आवश्यकता से अधिक उपस्थिति आंखें, धमनियों, हृदय, यकृत एवं वृक्क के लिए बहुत हानिकारक होती है। NO2 की उपस्थिति पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN के बनने में भी मुख्य रूप से भाग लेती है, जो कि एक द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक, इतनी चीजें आप समझ लिए। तीसरा अब जानेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वातावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत से मिलती है, प्राकृतिक स्रोत से 90% मात्रा मिलती है। इसके साथ ही साथ कोयले का दहन, स्वचालित वाहनों का दहन, कार्बनिक पदार्थों का दहन, इन चीजों से 10% कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है और इनके जलने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में मिलती रहती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के, मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से
ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक तेजी से, 250 गुना अधिक तेजी से क्रिया करती हैं। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की तुलना में ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक तेजी से घुलती है। किसमें? तो ब्लड में, मनुष्य के रक्त में। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रहने से, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से श्वासारोध हो जाता है, यानी कि एस्पेक्सिया हो जाता है, और अधिक मात्रा में होने से मृत्यु भी हो जाती है। ठंडी के दिनों में लोग अंगीठी जलाते हैं, किसका? कार्बन कोयले का। ठंडी के दिनों में लोग कोयले की अंगीठी जलाते हैं और उसमें से सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाना, कोयले की अंगीठी जलाना बहुत ही हानिकारक होता है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी रूम टेम्परेचर के हिसाब से, और जिस कारण से ऑक्सीजन से अधिक तुलना में ये मानव रक्त से क्रिया करेगा और श्वासारोध उत्पन्न करेगा, जिससे कि मनुष्य के मृत्यु भी हो सकती है। तो इतनी चीजें आप समझ लिया। आपको हेडिंग बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसमें लिखना है वातावरण में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड की 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है, तथा 10% कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों एवं अनेक कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण रूप से जलने से वातावरण में मिलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना अधिक होती है। अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त वायु कुछ देर तक रहने से श्वासारोध होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अतः कभी भी सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा कारण जान लेते हैं, जो है क्या? कणकीय पदार्थ। कणकीय पदार्थ चौथा कारण होगा कणकीय पदार्थ। तो कणकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो ये प्राकृतिक एवं मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न ठोस कण या तरल बिंदु है, जैसे कि धूल, धुआं, बीजाणु आदि। इसमें ठोस धूल के कण होते हैं जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। तो आपको यही बना लेना है कणकीय पदार्थ, और इसमें लिखना है ये प्राकृतिक एवं मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न ठोस कण या तरल बिंदु होते हैं, जैसे धूल, धुआं, बीजाणु आदि। धुआं एक सामान्य वायु प्रदूषक है, जिसमें ईंधन पदार्थों के अपूर्ण दहन के कारण अनेक ठोस कण वायुमंडल में निलंबित होते रहते हैं। गैसीय माध्यम में अति सूक्ष्म आकार के ऐसे कणों के विक्षेपण से उत्पन्न बादल को वायु विलय कहते हैं। धुएं तथा कोहरे के संयोग से धुंध बनती है। ठीक, तो इतनी चीजें हम जान लिए। तो यहाँ पे हमने वायु प्रदूषण के बारे में गंभीर जानकारी दे दिया। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।